हेलो दोस्तों, मैं हूं निर्मला और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर टमाटर को हम सब्जी बनाने के काम में ज़्यादा लेते हैं, लेकिन इन टमाटरों से हम सब्जी ही नहीं बल्कि बहुत ही चटपटी पूरी भी बना सकते हैं। और वैसे भी बच्चों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि हम कम से कम समय में नया और अच्छा खाना बच्चों को खिला सकें और उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकें। तो चलिए, बच्चे भूख लगी है का शोर मचाना शुरू कर दें, उससे पहले ही ये चटपटी टमाटर की पूरी बना लेते हैं। टमाटर की पूरी बनाने के लिए हम ले लेंगे कटे हुए टमाटर, कुछ लहसुन की कलियां, हरी मिर्च, साथ ही हम ले लेंगे अदरक और जीरा। अब सबसे पहले एक ग्राइंडर जार ले लेंगे। इस ग्राइंडर जार में हम डालेंगे टमाटर। मैंने यहाँ पर दो मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं। अब इसी के अंदर हम ये लहसुन भी डाल देंगे। लहसुन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इस पूरी में। यदि आप लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं, सिर्फ अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक इंच मैंने छिली हुई अदरक डालती है और अपने तीखेपन के हिसाब से इसमें हरी मिर्च डालते हैं, क्योंकि इसमें लाल मिर्च वगैरह हम कुछ भी नहीं डालेंगे। जो तीखापन होगा वो हरी मिर्च से ही आएगा। तो मैंने एक हरी मिर्च ली है, साथ ही इसमें डाल देंगे एक छोटा चम्मच जीरा। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो बस इनका हम पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये टमाटर वगैरह का हमने पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है ना, बहुत ही सिंपल। तो अब बस इस पेस्ट को हम क्या करेंगे, आटे के अंदर मिला लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 कप आटा ले लिया है। अब इसके अंदर स्वादानुसार नमक मिला लेते हैं, साथ ही डालेंगे इसमें खूब सारी बारीक कटी हुई हरे धनिए की पत्तियाँ। इनका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है पूरियों के अंदर और देखने में भी काफ़ी अच्छी लगती हैं। इसके अलावा यदि आप इन पूरियों को और भी ज़्यादा मसालेदार बनाना चाहते हैं, तो सब्जी में जो मसाले यूज़ करते हैं जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, वो भी डाल सकते हैं। लेकिन बच्चों के लिए नॉर्मली मैं ये ऐसी ही पूरी बनाती हूँ जो उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आती है और वो आराम से खा भी पाते हैं। तो पहले टमाटर के पेस्ट में ही इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ग्राइंडर जार में मैं 1-2 चम्मच पानी डालकर इसे भी मिक्स कर लेती हूँ। यदि आपको लगे कि पानी कम है तो या तो आप टमाटर की मात्रा और बढ़ा दें, यानी टमाटर को थोड़ा और पीस कर डाल दें, या आपको ज़्यादा लग रहा है पेस्ट टमाटर को तो आप इसमें थोड़ा सा सूखा आटा और डाल दें। यानी हमें टमाटर और आटे का रेशो इस तरह का रखना है कि दोनों ही चीज़ें आपको और ज़्यादा डालने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसे बहुत ही अच्छा डो तैयार हो जाएगा, क्योंकि यदि टमाटर की मात्रा कम हुई तो ये पूरी फिर इतनी चटपटी नहीं बन पाएगी। टमाटर का ही खट्टापन इसमें आता है और हो सके तो देसी टमाटर का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो ज़्यादा खट्टे आते हैं। तो बस जिस तरह हम पूरी का डो लगाकर तैयार करते हैं, उसी प्रकार इसका डो लगाकर भी हमने तैयार कर लिया है। अब इस डो को हम ढक देते हैं, 10 मिनट के लिए रख देते हैं। साथ ही दूसरी तरफ कढ़ाई में भी तेल चढ़ा देते हैं ताकि ये भी धीरे धीरे गर्म हो जाए, जब तक कि आटा रेस्ट ले। 10 मिनट बाद हम आटे को दोबारा से मसल कर थोड़ा सा चिकना कर लेते हैं। यदि आपका पूरी का डो एकदम परफेक्ट है तो जब आप पूरी बेलेंगे तो ना ही आपको सूखा आटा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही तेल लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ही पूरी आप बहुत ही आराम से बेल सकते हैं। तो ये देखिए कितने आराम से हमने पूरी बेल कर तैयार कर ली है। तो मैं एक साथ ही सारी पूरी बनाकर तैयार कर लूँगी, साथ ही डीप फ्राई कर लूँगी। और यहाँ मेरी बेटी अवनी भी अपनी पूरी बनाकर दे गई है मुझे। तो सारी पूरियाँ बनाकर मैंने तैयार कर ली हैं। अब तेल का टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा डो हम इसमें डालकर देखेंगे। तो तेल के अंदर काफ़ी अच्छे बबल्स आ रहे हैं और जो डो है वो तेल के ऊपर आ गया है, यानी तेल एकदम परफेक्ट गर्म हो चुका है। तो जब तेल अच्छा गर्म हो जाए तब गैस का फ्लेम मीडियम रखें, ताकि जैसे ही हम पूरी डालें तो वो जले नहीं। तो मीडियम फ्लेम पर हम धीरे धीरे पका लेंगे, क्योंकि हमने इसमें लहसुन वगैरह डाला है तो वो भी पकना चाहिए। तो नॉर्मल पूरी की बजाय इस पूरी को थोड़ा सा ज़्यादा देर तक तलें, ताकि इसमें जो लहसुन अदरक वगैरह हमने डाला है उसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, उनका कच्चापन भी नहीं आए। आप चाहें तो इन पूरियों में बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्च वगैरह भी डाल सकते हैं, यदि आपके बच्चे पसंद करते हैं। तो देखिए कितनी बढ़िया लाल लाल पूरी बनकर तैयार हुई हैं। तो आप इन पूरियों को रायते या फिर हरी चटनी के साथ सर्व करें, दोनों के साथ ही इनका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप भी झटपट ये टमाटर की पूरी बनाएं, और कैसी बनी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक का बटन भी ज़रूर दबाएँ।
मेरी और भी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, हंसाते रहिए।